क्रिकेट के सुपर फास्ट लाइव स्कोर के साथ पहली बार हिंदी में क्रिकेट की तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए डाउनलोड करें क्रिकेट हंट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से और एंजॉय कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, भारत बनाम बांग्लादेश सीरीज के तुरंत बाद अब यहां पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम दौरा करने वाली है भारत का, यानी कि वेस्टइंडीज टूर ऑफ इंडिया 2019, जहां पर इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच एक काफी ज्यादा रोमांचक और काफी बड़ी सीरीज खेली जाएगी इंडिया में ही। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम कब दौरा करेगी भारत का और इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच कितने T20, कितने ODI और कितने टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी, और सारे मैचेस कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे और कितने बजे से स्टार्ट होंगे, जो कि इसके पूरे कंफर्म शेड्यूल और कार्यक्रम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, और सारे तार आपको बताने वाले इसके टीम के बारे में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप भी क्रिकेट के फैंस हैं, क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत बनाम बांग्लादेश सीरीज के तुरंत बाद अब यहां पर एक बार फिर से इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच एक रोमांचक और काफी ज्यादा बड़ी सीरीज खेली जाने वाली है, जो कि इस बार भारत वेस्टइंडीज दौरे पर नहीं बल्कि वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम भारत दौरे पर आने वाली है, जो कि ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी 6 दिसंबर 2019 से और 22 दिसंबर 2019 को ये सीरीज खत्म होगी, जहां पर इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच सबसे पहले 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी, उसके बाद आखिर में 3 ODI मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जो कि सीरीज में कोई भी टेस्ट मैचों की सीरीज नहीं है। ऐसे में यह सीरीज खास तौर पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी रोमांचक होने वाली है, जहां पर वेस्टइंडीज टीम के कप्तान होंगे कायरन पोलार्ड, जो कि इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं कायरन पोलार्ड। वहीं अगर हम बात करें टीम इंडिया की, तो इस सीरीज में टीम इंडिया में विराट कोहली की वापसी हो जाएगी T20 और ODI सीरीज में, जो कि टीम इंडिया की तरफ से खेलने वाले हैं। इसके अलावा जडेजा जैसे कई शानदार प्लेयर आपको देखने को मिलने वाले हैं सीरीज में। तो बिना देरी की वजह बात करते हैं सीरीज के पूरे शेड्यूल और कार्यक्रम के बारे में। तो इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच सबसे पहले 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच 6 दिसंबर 2019 फ्राइडे को खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, और यह मैच शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगा। इसके बाद दूसरा T20 मैच 8 दिसंबर 2019 संडे को खेला जाएगा, जो कि यह मैच त्रिवेंद्रपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, और यह मैच भी शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगा। जबकि तीसरा और आखिरी T20 मैच 11 दिसंबर 2019 वेडनेसडे को खेला जाएगा हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, और ये मैच भी शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि 7 PM से। तो गाइस, जरा 3 T20 मैचों की सीरीज का पूरा कंफर्म शेड्यूल अब अगर हम बात करें, तो इसके बाद 3 ODI मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला ODI मैच इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच 15 दिसंबर 2019 संडे को खेला जाएगा चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में, और ये मैच दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि 2 PM से। जबकि दूसरा ODI मैच 18 दिसंबर 2019 वेडनेसडे को खेला जाएगा विशाखापट्टनम के राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में, और ये मैच भी दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि 2 PM से। जबकि तीसरा और आखिरी ODI मैच इंडिया वर्सेज वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा 22 दिसंबर 2019 संडे को कटक के बराबरी स्टेडियम में, और ये मैच भी दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि 2 PM से। तो गाइस, जरा भारत बनाम बांग्लादेश के बीच होने वाले सीरीज का पूरा कंफर्म शेड्यूल और कार्यक्रम कि सारे मैचेस कहां और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब दोस्तों, अगर हम बात करें सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, तो आप लाइव देख सकते हैं अपने TV चैनल्स पर स्टार स्पोर्ट्स TV नेटवर्क पर, जबकि आप अपने मोबाइल फोन में हॉटस्टार मोबाइल ऐप पर लाइव देख सकते हैं सारे ही मैच हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस नहीं, अभी तक टीम इंडिया या फिर वेस्टइंडीज टीम का स्क्वाड नहीं हुआ इस सीरीज के लिए, जैसे ही स्क्वाड अनाउंस होता आपको हमारे YouTube चैनल क्रिकेट सुपर फैंस में उसकी वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज़ अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।